लॉकडाउन के बाद कुछ दुकानदार मनमाने तरीके से दाम वसूल रहे हैं। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि तय कीमत के अनुसार ही चीज़ों पर कीमत वसूली जाए, लेकिन कुछ दुकानदार सरकार के निर्देशों का अनदेखा करके मनमाने तरीके से दाम वसूल रहे हैं और सरकार के निर्देशों का खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज हमारा पूरा देश संकट से गुजर रहा है और कुछ दुकानदार अपने फायदे के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं और कुछ पैसा अधिक कमाने के लिए सामान पर मनमाने तरीके से दाम वसूल रहे हैं। ज़्यादा दाम वसूल कर ऐसे दुकानदार तो ग्राहक का जेब ढीला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रहित में भी अपराध कर रहे हैं। अगर कल को लॉकडाउन हट जाता है, देश की स्थिति सामान्य हो जाती है, और अगर कल को ऐसे दुकानदार कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है, तो फिर मुझे ऐसे दुकानदार के राष्ट्रभक्ति पर संदेह होगा। कालाबाजारी और मनमाने तरीके से दाम वसूलने की शिकायत पर प्रशासन ने कई दुकानों पर छापेमारी कर कितने दुकानों को सील कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आपदा के घड़ी में जो भी राष्ट्रहित के खिलाफ अपराध करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई भी दुकानदार आपसे मनमाने तरीके से दाम वसूलता है तो आप उस दुकानदार की शिकायत कैसे और कहां करें। तो दोस्तों, आप इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देश में लॉकडाउन होने के बावजूद भी सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाएं जारी रखी है ताकि आम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। बाज़ार में लोगों की अधिक भीड़ है, इस कारण इस बात का फायदा दुकानदार पूरी तरह से उठा रहे हैं और सरकार ने तो सभी चीज़ों की कीमत तय कर दी है। उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार कालाबाजारी करके अपने मन मुताबिक सभी चीज़ों पर दाम वसूल रहे हैं। सरकार ने तो सैनिटाइजर और मास्क के दाम भी निर्धारित कर दिए हैं, इसके बावजूद भी अभी भी मेडिकल स्टोर पर दुकानदार मनमाने तरीके से दाम वसूल रहे हैं। कुछ लोग तो अभी कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों का अपराध का दंड सीधे जनता भुगत रही है। इसलिए 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जारी की और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार को कई अहम निर्देश दिए। अभी भी आप किराना स्टोर पर जाएंगे तो जितने घरेलू आइटम की चीज़ें हैं, जैसे कि आटा, चावल, दाल, इन सभी चीज़ों पर दुकानदार अभी भी मनमाने तरीके से दाम वसूल रहे हैं। और अगर आप दुकानदार को बोलते हैं कि वह आपको इतना अधिक कीमत पर सामान क्यों दे रहा है, सरकार ने तो बोला है कि तय कीमत पर ही सामान देना है, तो आपको दुकानदार से जवाब मिलता है कि मैं तो खुद अधिक दामों में खरीद कर ला रहा हूँ, तो मैं आपको सस्ते में कैसे दूँ। और आप इस हालात में शिकायत करने के लिए घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन या फिर कंज्यूमर कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी को तो घर ही में रहना है। दोस्तों, इस मुसीबत के घड़ी में आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप संयम बनाए रखें और आप घर ही में रहें। ऐसे दुकानदारों की शिकायत आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं। जब कोई भी दुकानदार MRP से अधिक कीमत पर कोई भी वस्तु आपको बेचता है, तो आप उस दुकानदार की शिकायत तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के पास करें। आपको शिकायत करने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से या फिर SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए घर पर रहकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और दुकानदार पर तुरंत कार्रवाई होती है। यदि आप फ़ोन के जरिए शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो फिर आप कंज्यूमर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर दिख रहा है, आप उन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और फिर दुकानदार पर कार्रवाई होती है। यदि आप SMS के जरिए शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पर SMS करें। आपके SMS करने के बाद मंत्रालय द्वारा आपको फ़ोन किया जाता है, फिर आपकी समस्या सुनी जाती है। या फिर अभी इस संकट के दौर में सरकार ने राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अभी जो आपको नंबर दिख रहा है वो राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है, आप उस नंबर पर भी फ़ोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाएगा। या फिर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ आप अपने घर पर रहकर ही 100 नंबर पर डायल करके सीधे पुलिस से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च करके अपने एरिया के थाने का नंबर निकालें और उससे भी फिर सीधे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके शिकायत दर्ज कराने के बाद ऐसे दुकानदारों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर कालाबाजारी नहीं हो
और तय कीमत के अनुसार ही कोई भी वस्तु बिके। इसलिए अभी प्रशासन के लोग हर जगह घूम रहे हैं और कोई भी शिकायत मिलने पर दुकानदार पर कार्रवाई करके उनके दुकानों को सील कर रहे हैं। जब आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार आपसे मनमाने तरीके से दाम वसूलता है तो आप उस दुकानदार की वीडियो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर हालात में वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, तो आप दुकान में जाने से पहले ही अपने फ़ोन का सेटिंग कर लें और उसकी ऑडियो बना लें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप ऑडियो भी नहीं बना पाते हैं, तो फिर आप दुकानदार को बोले कि वो आपको पक्का बिल बना कर दे। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके शिकायत करने के बाद प्रशासन को, पुलिस को ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।